नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक कॉमन क्वेरी है सर, ये इवेंट का जो ऑप्शन आता है जीरोधा में, किसी भी आप स्टॉक्स में देख लो, जो आपका इवेंट का ऑप्शन आएगा, मान लो इवेंट किसी स्टॉक्स में है, यहाँ पे इवेंट्स आपका मैकडोनल्ड्स में दिख रहा है, या फिर मान लो आपको इवेंट्स दिख रहा है यहाँ पे आपको बजाज ऑटो में, यहाँ पे आपको दिख रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में, ICICI बैंक में, इवेंट का मतलब क्या होता है, इसको कैसे समझे, इवेंट का मतलब क्या होता है और चीज़ें जो है कैसे वर्कआउट करती है। इवेंट का मतलब होता है अगर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाला हो, कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब होता है कि मान लो बोर्ड, कंपनी के बोर्ड मेंबर्स कुछ जो है अनाउंसमेंट करने वाले हो, उसके रिगार्डिंग जो है कुछ भी न्यूज़ आएगा तो आपको इवेंट में वो काउंट होगा, चाहे वो बोनस का हो, स्प्लिट का हो, मर्जर का हो, आपका एनुअल रिपोर्ट हो, क्वार्टरली रिपोर्ट हो, जो भी हो वो आपको इवेंट्स में काउंट होगा। तो इवेंट्स देखना तो मतलब समझना या तो अर्निंग्स रिपोर्ट आने वाली है या फिर कुछ जो है बोर्ड मेंबर्स अनाउंस किए हुए हैं, चाहे वो आपका बोनस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका बायबैक के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका ऑफर फॉर सेल के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका जो है डिविडेंड के रिगार्डिंग हो। इसको चेक कैसे करते हैं, सिंपल है, यहाँ पे जो आपको इवेंट दिख रहा होगा ना, सिंपल ये काइट की बात बता रहा हूँ, ये सब में ऐसा ही होता है। आपको यहाँ पे देख लो 3 पॉइंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे देख लो फंडामेंटल्स दिख रहा है, टिकर टेप डॉट इन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अर्निंग्स रिलीज एक्सपेक्टेड है आपका 24 जुलाई का, मतलब 24 जुलाई को जो है इंफोसिस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आने वाला है, मतलब अर्निंग्स रिपोर्ट आने वाला है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंपनी जो भी आपका अनाउंसमेंट करती है, जो भी अपडेट करती है एक्सचेंज को, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सर डाउनलोड कैसे करना, सिंपल इसको डाउनलोड क्लिक करोगे तो NSE साइट पे जाएगी, सब कुछ जो है यहाँ पे देख लो, ये आपको जो भी चीजें यहाँ पे दी गई है वो आपको NSE साइट पे अपडेट होती है, तो NSEIndia.com पे जाओगे तो चीजें आपको मिल जाएंगी। जो भी है यहाँ पे देख लो, प्रेस रिलीज है आपका, जो भी है यहाँ पे दिख जाएगा। चल समझ गए इवेंट का मतलब क्या होता है। ICICI बैंक का इवेंट देखता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं फंडामेंटल्स पे क्लिक किया, यहाँ पे देख लो एक्सपेक्टेड अर्निंग 23 जुलाई का है, मतलब ICICI का भी जो है प्रॉफिट अर्निंग्स रिपोर्ट जो है आने वाला है। यहाँ पे देख लो आपका कोटक बैंक का है, फिलहाल अभी क्वार्टरली रिजल्ट सबका आने वाला है तो अर्निंग्स रिपोर्ट ही होगा आपका, इस पर क्लिक करो, आपको देख लो यहाँ पे एक्सपेक्टेड अर्निंग्स रिपोर्ट आज का है, कोटक महिंद्रा बैंक का आ चुका है। तो सीधे है, सिंपल है, कुछ भी होगा इवेंट का मतलब वही समझ लो कि कुछ भी कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है, अनाउंस करती है, जो आपको एक्सचेंज पे अपडेट करती है आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि बोनस है, स्प्लिट है, डिविडेंड है, बायबैक है, ऑफर फॉर सेल है, अर्निंग्स रिपोर्ट है, कुछ भी आपको मिल जाएगा। तो इवेंट का मतलब समझो कुछ भी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, जो कंपनी जो है अनाउंस करती है वो आपको इवेंट में दिख जाएगा। सिंपल 3 पॉइंट पे आना है और यहाँ पे टिकट फंडामेंटल पे क्लिक करना है, आपको इवेंट्स के रिगार्डिंग जो भी चीजें हो रही है वो आपको दिख जाएंगी। कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एशियन पेंट का देख लो, मैं 3 पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ भी इसका अर्निंग्स जो है रिलीज होने वाला है, इसका जो है 26 जुलाई का एक्सपेक्टेड डेट है। तो चीजें समझ गए इवेंट्स का मतलब क्या होता है, तो चीजें मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।